हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिरी, 20 से 25 लोग मलबे में दबे। मुंबई में कुर्ला स्थित एक 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक सोमवार रात भरभराकर गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली है। घटना के दौरान बिल्डिंग में 20 से 25 लोग दबे थे। इसमें से अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये काफी जर्जर हो चुकी थी और लोगों को खाली करने के लिए नोटिस भेजे जा चुके थे। ये घटना मुंबई के कुर्ला के नायक नगर की है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और अभी भी राहत और बचाव अभियान जारी है। एएनआई ने घटना की तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि घटना के दौरान मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम और पुलिस ने तत्काल लोगों को मलबे से बाहर निकालना शुरू किया है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया है। राहत कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है। एनडीआरएफ के जवान उपकरणों के साथ मलबे को हटाने और इमारत को काटने में जुटे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी बचाव कार्य पर नजर रखे हुए हैं। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि 4 मंजिला बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी। इनमें रहने वाले लोगों को इमारत खाली करने के नोटिस भी भेजे गए थे, इसके बावजूद वो उसमें जबरदस्ती रह रहे थे। यही वजह रही कि बिल्डिंग के ढहने से उसके नीचे लोग दबे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बीएमसी ने इस बिल्डिंग को नोटिस जारी कर दिया था, तभी इसे स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो हादसा होने पर लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। हम ऐसी जर्जर बिल्डिंगों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई शुरू करवाएंगे, जिससे कि भविष्य में किसी को हानि ना हो। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।